डॉक्टर, जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स या गैस में मास की बात हो तो यहाँ चालू क्या करूँ? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कैपिलरी राइज का है, यानी दोनों केस में वाटर चल रहा है मैं राइट? और डेंसिटी सेम होगी, वाटर डेंसिटी सेम होगी पहले केस में, दूसरे केस में। अरे वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जब रेडियस एच था तब इन्होंने कहा एच हाइट तक आया है, और उस समय जो मास था वो 5 ग्राम का था। अब की बार कह रहे हैं कि रेडियस बढ़ा देंगे, एम आई राइट? ठीक है, तो कहने लगे तब कितना मास चढ़ेगा, इसको मान लो एम टू, ये निकालना है आपको। तो अगर आपको एच मालूम है, एच वन बराबर एच थ्री, अगर एच टू मिल जाए तो काम बन जाए। कैसे मिलेगा? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, आप देखिए एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई कांस्टेंट, वाटर इसमें भी था, वाटर स्ट्रेंथ में था, डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एच के। अब एच और देख लीजिए, आप जानते ही हैं कि राइज इन कैपिलरी, एक फार्मूला बचपन से आप रट के जाते हैं, टू टी कॉस थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ 0 होगा तो 1 हो जाएगा, और आर डी जी। तो सरफेस टेंशन वाटर है तो कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं आर इज रेसिप्रोकल टू आर, यहाँ पे रख दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम बन गया। यानी कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के हो गया, बस काम बन गया। एम वन अपॉन एम टू बराबर आर वन अपॉन आर टू। आर वन कितना था आपका? आर वन आपका था आर, और दोबारा में कितना हो गया बेटा? टू आर हो गया, बस काम बन गया। 1/2, एम वन कितना था आपका? 5 ग्राम था, एम टू निकालना था, गुणा कर दीजिए, तो एम टू बराबर 10 ग्राम। सिंपल अर्थमेटिक थी, फार्मूले को देख लेते तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। तो दोस्तों कहीं भी कोई कठिनाई नहीं देखने को मिली।